हैं, बस मैक्सिमम 30 सेकेंड भी नहीं लगा था ये, और ये प्रॉप पे इतना ज़्यादा अच्छे से बन गया था ना, कि मैंने पीतल का इस्तेमाल किया था तो पीतल पे बहुत अच्छे से इसने क्लीन किया था, बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी थी। लेकिन क्या हुआ है ना कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, सर हमारा ऑर्डर कहाँ पे है, जब मैंने दिल्ली का एड्रेस डाला है तो मेरे एड्रेस को ये कुशीनगर में क्यों पहुँचा रहा है। अगर फ्रॉड करेंगे तो फिर अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है ना। और 400-500 रुपये के लिए कौन ही फ्रॉड करता है। पहले मैं इंसिडेंट बाद में बताऊँगी आप लोग को, लेकिन सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि अनबॉक्सिंग के लिए ही तो आप यहाँ पर वेट कर रहे हो ना मेरा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज की जो भी वीडियो है ना, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इस टाइप की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करे हुए, आप लोग को बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा चलो फिर से एक इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ये पैकेट, और ये है 99 होल स्टोर से। तो देख सकते हैं कि इसकी पैकेजिंग ऐसे ही आती है अभी। हाँ, ये है 99 होल स्टोर, और ये एक स्टोर है जिसको हम गूगल क्रोम से ही मतलब इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, गूगल क्रोम के थ्रू ही हमें इसको परचेज़ करना होता है। ये थर्ड या फोर्थ टाइम मैं ऑर्डर कर रही हूँ, तो मैंने लेकिन वीडियोस मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम वाली ही अपलोड करी हुई है, सेकंड टाइम थर्ड वाली नहीं करी है। तो पता नहीं क्यों मैंने अपलोड नहीं किया था, वीडियो ही नहीं बनाए थे, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया था, मैंने सोचा चलो कुछ चीज़ें मंगाते हैं तो आप लोग साथ शेयर करते हैं कि अभी क्या ऐसा रिस्पॉन्स है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग साथ बता दो ना, कि ये प्रोडक्ट शायद इस बार मुझे नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट्स रहते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट नहीं आए, हमारे पैसे रिफंड नहीं हुए, बहुत सारी कंप्लेन लोग करते रहते हैं। इवन मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर चेक करोगे ना, तो वहाँ भी बहुत लोगों ने अपने क्वेरीज डाले हुए थे, पर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो मैं उनसे यही बोलती थी कि जो भी 99 होल स्टोर का सपोर्ट वाला नंबर है, हेल्प नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लो, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर उनका जो भी व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा कुछ हेरा फेरी भी होती है। लेकिन क्या हुआ है ना कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहले मैं इंसिडेंट बाद में बताऊँगी आप लोग को, लेकिन सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि अनबॉक्सिंग के लिए ही तो आप यहाँ पे वेट कर रहे हो ना मेरा। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि आप 5, 6, 10 जितने प्रोडक्ट परचेस करते हो ना, वो सारा एक ही टाइम एक ही बार में आता है आपके पास, अलग अलग शिफ्ट में नहीं आता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप 50 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कर दो, फिर एक एक चीज़ का कुरियर के लिए ना वेट करते रहो कि भैया कुरियर वाला भी आएगा, भी देगा भी देगा। तो इस टन टन देख सकते हैं आप लोग मेरा सामान इसके अंदर कैसे है। तो इसके अंदर इतने सारे सामान हैं, देखो इतने सारे सामान, इतना सारा। अब चलिए मैं ओपन करके आप लोगों को स्टार्टिंग करते हैं, स्क्रीन पे देखते जाना आप लोग, ठीक है? तो ये देख सकते हैं, ये है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा दिख रहा है मुझे, उसमें ना फोटोज में बड़ा दिख रहा था, बट अभी देखो कितना छोटा सा दिख रहा है ये। तो ये है वार्डरोब के पीछे, इसको हैंग कर दो, ड्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हैंग करके आपके कपड़े वगैरह टांगने के काम आ जाएगा। और इसकी जो भी प्राइस है मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं याद आ रहा कि कितने का मैंने इसको परचेज़ किया था। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे ऐसे कुछ है, वैसे मैं आपको डेमो भी दिखाती हूँ, तो चलो पहले इसको डेमो भी लगा के साइड में दिखाऊँगी, पहले पिक्चर्स लगाऊँगी उसका डेमो करूँगी। तो आपने पिक्चर्स तो देख ही लिया कि ये कैसा है, और इसको डेमो करके दिखाते हैं कि ये एक्चुअली में हमारे घर पर ये कैसे सेट होगा, हमारे घर पे इसका पूरा लुक कैसा आता है, तो वो भी मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ। किचन के कैबिनेट में लगाते तो भी अच्छा है ये, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अलमीरा में ना बिल्कुल भी हमने वो नहीं करा हुआ है, हैंगिंग का कुछ भी नहीं लगा रखा, तो मैं सोच रही थी ना कि इसमें लगाने के लिए, देखो ये लगा दिया हमने। सो यहाँ पे इसको हैंगिंग के लिए बना सकते हैं, तो ये देखो जो भी कपड़े निकलेंगे इसको यहाँ पे हैंग कर दो। सो गाइस, इसको लगाने के बाद देख सकते हैं ये बाहर से कुछ इस टाइप का दिख रहा है, अंदर से एकदम ऐसे ही नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल भी ड्रिलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो आप हैंग करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है, तो इसको आप कहीं भी या तो वार्डरोब में या तो किचन के कैबिनेट में भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे किचन के कैबिनेट में लगाना है मुझे, तो यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा खास है नहीं लगाने वाला, तो इसको मैं अगर लगाती हूँ ना, तो फिर ये पूरा इस टाइप का बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, अंदर छुप जाएगा ये, और अंदर में बहुत सारा चीज़ इसमें हम टांग सकते हैं, लाइक टांग सकते हैं। तो मतलब ये बेसिकली मल्टीपर्पज़ है, जैसे आप यहाँ पे इसको इस काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये देखेंगे जैसे जहाँ भी समझ में ऐसे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लगाऊंगी, देख सकते हैं बीच में मेरा ये बैरियर आ जाता है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम अपना देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या है।
सो ये है फ्रिज फ्रेशनर, सुना था कभी? रूम फ्रेशनर सुना होगा, बाथरूम फ्रेशनर सुना होगा, फ्रिज का फ्रेशनर सुना था? तो ये है फ्रिज का फ्रेशनर। ये पता ही नहीं चल रहा यार, पता नहीं क्या है इसके अंदर। वैसे इन्होंने 2 पैक दिया है तो काफ़ी टाइम तक मे भी चल जाए, देखते कितना दिन तक चलता है। तो इसका भी डेमो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगी, पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ, साथ ही साथ ये चीज़ें चलती रहेंगी, आप समझते रहना कि इसके अंदर क्या है। तो ये एक्चुअली फ्रिज के साइड में आप रख सकते हैं, और फ्रिज में जो मतलब अजीब सा कुछ सामान वगैरह रखी है तो 2 4 दिन के 5 दिन के बाद से थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, तो उसको ये कंट्रोल करेगा। कितना कंट्रोल करेगा मेरे किसी व्लॉग में मैं आपको बता दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे व्लॉग्स देखते रहना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको रखने के 2 3 दिन के बाद में ही पता चलता है। तो मैं अपने फ्रिज में इसको लगा दूंगी। सो गाइस, और इस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है। तो इसको साइड कर देते हैं, तो हमारे 2 प्रोडक्ट की रिव्यू तो हमने कर दिया है, और अगर आपको डिटेल में समझना होगा तो मेरे व्लॉग्स में आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि मैं 2 3 दिन के बाद आपको बता दूंगी कि एक्चुअली ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब इसलिए नहीं बोल रही कि मेरा ही बेनिफिट आपका भी बेनिफिट होगा, ठीक है? अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करती हूँ, कुछ चीज़ें सिखाती हूँ, तो मतलब हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, तो फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट है, देख सकते इलेक्ट्रिक कॉफ़ी बिटर। ये ना मैं जब भी अमेजन पे देखती थी ना, तो मुझे बहुत मन करता था रखने के लिए, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट होता है ये, मतलब हर घर में होना चाहिए ये चीज़। कई बार क्या होता है, महंगा मिलता है, कई बार सस्ता मिलता है, बट अगर आपको कहीं से सस्ता मिल जाता है ना, तो ये आपके घर में होना चाहिए। पर ये कैसा मुझे मिला ये भी तो देखना ज़रूरी है ना, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कैसा होता है, और अभी मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो, वाह, कलर कितना प्यारा है। ये कलर आपको एकदम प्रॉपर वही कलर नहीं मिलेगा जो आप परचेज़ करोगे, कई बार डिफरेंट भी मिलता है। सो गाइस, चलिए इसका डेमो करके देखते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है, क्योंकि अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसकी पूरी और डिटेल में बताऊंगी नहीं। तो चलिए पहले इसका डेमो आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बतानी पड़ेगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से करी गई थी, और देख सकते हैं बहुत अच्छे से था ये। और इसका जो सेल लगाने का था ना, यहाँ पे प्लस माइनस जो लिखा रहता है वो सब कुछ ऊपर मेंशन करा हुआ था, तो मैंने सेल लगा दिया था और निकल जाता इजीली। और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बनाना शुरू किया, तो देख सकते हैं बस मैक्सिमम 30 सेकेंड भी नहीं लगा था ये, और ये प्रॉप पर इतना ज़्यादा अच्छे से बन गया था ना, कि मतलब इतना तो हम लोग मेहनत करते थे। अभी मेरे शॉर्ट्स वीडियोज़ आपने देखे होंगे कितना मेहनत कर करके मैंने कॉफ़ीज बनाए थे, बट यहाँ पर 30 सेकेंड में कॉफ़ी बन के रेडी हो गई थी। तो मतलब बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट लगा था मुझे ये। सो अगर आपके पास ये कॉफ़ी फ्रोदर नहीं है तो अपने किचन में ज़रूर रखना, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से कॉफ़ी आप इसमें बना सकते हो। है तो बहुत पुरानी चीज़ ये, लेकिन मैंने यहाँ 99 स्टोर से मंगाई थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और मतलब इसलिए क्योंकि वहाँ पर अलग से डिलीवरी चार्ज तो हमें नहीं देना था ना, और अमेजन वगैरह पर मंगाओगे तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है, तो महंगा पड़ जाता है। और देख सकते हैं कॉफ़ी कितने अच्छे से बन के रेडी हो गया भाई साहब। इतनी अच्छी कॉफ़ी अगर घर पर बन जाए तो आपको बाहर क्यों जाना कॉफ़ी पीने के लिए। तो आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लगी प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताना। ये जो प्राइस थे ना वो 99 99 99 थे, बट अभी कुछ प्रोडक्ट आपको 99 से भी कम के रेंज के मिलेंगे, जिसमें से ये है एक्सटेंडर है। लाइक एक कपड़े को हैंग किया है आपने, मैं आपको यहाँ पर डेमो दिखा दी कैसे एक्चुअली ये काम करेगा। तो आप देख सकते हैं इसको वन इन वन ऐसे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे, तो ये हमारा पूरा एक्सटेंड करके, लाइक कई बार क्या होता है ना, शेल्फ़ इतनी लंबी होती है ना कि उसमें एक ही कपड़े टांगो बाकी नीचे की शेल्फ पूरी बेकार हो जाती है। तो आप चाहे तो एक ही हैंगर में एक्सटेंड कर करके कई सारे आप लगा, इन तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पे आप डेमो देख लेना कैसे है ये, कैसे काम कर रहा है। तो इसमें मुझे मिले 12 पीसेस, जैसे कि पर पैकेट में 6 पीसेस हैं। ये ऑर्डर वाली चीज़ है, 29 में क्या ही मिलता है आज के टाइम में, कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये 29 रुपीज़ का जो भी प्रोडक्ट मैंने जानबूझ के ऑर्डर किया था, क्योंकि इसका ज़्यादा रोल था नहीं, बट मुझे लगा ना कि ये हमारे काम की चीज़ है, और मुझे 500 से ज़्यादा का सामान नहीं मंगाना था। रीज़न ये था कि अगर आप 495 का सामान ऑर्डर करते हो तो ही आपका डिलीवरी फ्री हो जाती है, और मतलब मंगा सकते हो, वरना आपको 100 रुपीज़ कुछ कैश, मतलब 100 रुपीज़ कुछ कुछ तो डिलीवरी चार्ज लगते हैं। अगर जिनको नहीं पता है कि ये एक्चुअली में 99 होल स्टोर शॉप है क्या चीज़, तो यहाँ पे डेमो मैं आपको दिखाती जाऊँगी, समझ लेना। तो या फिर आप बोलो तो थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं पहले अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, कि जो लोग भी फर्स्ट हैं जिनको नहीं पता है कि यहाँ से शॉपिंग कैसे करते हैं, उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मतलब
इसका नेक्स्ट अभी पार्ट जो बोलूंगी वो उनके लिए होगा। तो जिनको पता है तो उनको तो पहले मेरी अनबॉक्सिंग से ही मतलब है ना, तो पहले आप लोग की अनबॉक्सिंग कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये कैसे सो वर्क करता गाइस, है। अब बात करते हैं अपने पांचवे प्रोडक्ट के बारे में। तो गाइस देख सकते हैं ये क्या चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देख लो क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि चिकन कह रही हूँ, किचन में जो हम सिंक, किचन की जो सिंक होती है वहाँ पे जो टैप लगी होती है 360 डिग्री मूवेबल नहीं होती है, तो क्योंकि स्टील के होते, स्टील ऐसे मूव थोड़े ना करेगा। तो वो वाला उसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप लगा के आप जैसे मतलब काम कर रहे हो तो सारा ऐसे मतलब पानी पूरा चारों तरफ से इसको अपने सिंक की अच्छे से क्लीनिंग हो सकती है, यही समझ लो वही है ये चीज़। और इसकी प्राइस मुझे कितने की पड़ी है, मुझे ये 99 रुपीज़ की पड़ी है मुझे। देखते कितना काम करता है। तो चलो मैं इसको डेमो दिखाती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बारे में मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँगी। तो लेकिन इसका डेमो दिखा सकती हूँ बहुत अच्छे से। तो चलो इसको डेमो दिखाती हूँ कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो चलो इसकी डेमो देख। सो यहाँ पे सबसे पहले जो लगाने का तरीका वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वॉशरूम का टैप है, लेकिन आपको लगाना बाथरूम में नहीं है, किचन में लगाना है। तो किचन में लगाने के लिए आप जैसे मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ ऐसे ही लगाना है। और लगाने के बाद से आपको ये देखना है कि अगर पानी का फ्लो अच्छे से रहेगा ना, तो ये इसका जो शावर तरीके से आता है ना ये, तो इसे बर्तन धोने में आपके ऊपर पूरे छींटे नहीं पड़ते हैं। और इसको नॉर्मल तरीके से टैप के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे इसको घुमाएंगे ना वाइट वाला जो है, तो ये चेंज हो जाता है, तो इसको 2 इन 1 वाला है ये। सो गाइस हमारे 5 प्रोडक्ट तो हो चुके हैं और अभी 6 प्रोडक्ट बचा है, जो कि बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा प्रोडक्ट है। और देखते हैं कि ये भी कितना काम आता है। तो मेटल शाइनिंग पाउडर, और ये मुझे मिला है 79 रुपीज़ का। तो ये देख सकते हैं, ये केमिकल वाली चीज़ें होती है ना, तो थोड़ा डर लगता है। ये पैकेट देखो कैसे खुला हुआ है इन लोगों ने, ये देखो ये पैकेट कैसे खुला हुआ है। सो अगर आपने अपने घरों में पीताम्बरी यूज़ किया है तो आप समझ लेना कि ये कुछ पीताम्बरी जैसा ही है। और ये हर टाइप के जो मेटल इसमें लिखा हुआ है उन सब पे ये अच्छे से क्लीनिंग करता है। मैंने पीतल का इस्तेमाल किया था, तो पीतल पे बहुत अच्छे से इसने क्लीन किया था, बहुत ईजी तरीके से, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी थी। तो मुझे ये प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा लगा था, और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली 6 प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए थे, और 6 के 6 प्रोडक्ट मेरे पूरे काम आने वाले प्रोडक्ट हैं। तो अगर आप लोग में से कुछ लोग नए हैं जिनको नहीं पता 99 होल स्टोर क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आप डेमो देखो। 99 होल स्टोर क्या होता है, गूगल क्रोम से आप सर्च करना 99holestore.com। ये मुंबई की एक साइट है, और ये मतलब डिलीवरी मुंबई से ही होती है। अब इसकी मतलब जो भी ब्रांच है वो कहाँ कहाँ है मुझे नहीं पता, बट ये जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो मुंबई से आता है। आपने इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे हर जगह देखा होगा, तो आपको सिर्फ गूगल क्रोम के थ्रू ही जाना है। वहाँ पे आपको जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको अपना नंबर डालना है, और वहाँ पे आपको ओटीपी आएगी, ओटीपी डालनी है। फिर जो भी प्रोडक्ट है आप उसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद से ऐड कार्ट करना। ऐड कार्ट में क्या होता है कि अगर आप पैसे के डर से कि मेरा पैसा ये लोग पता नहीं क्या करेंगे, अगर हम पहले से इनको मतलब ऑर्डर प्लेस कर दिया, हमने पहले से पेमेंट कर दिया, तो फिर क्या होगा कि ये लोग कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पैसा ले लेंगे या फिर सामान नहीं भेजेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 4 बार 3 या 4 बार प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं और सारे बार मेरे सामान आ गए हैं। प्री पेमेंट में ये होता है ना फ़ायदा कि प्री पेमेंट में आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। आपको कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, 500 का सामान आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप इस चीज़ को देख लेना। और वैसे मेरे साथ तो अभी पर्सनली ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मेरा सामान नहीं आया हो, पैसे मैंने पेमेंट कर दिया। हर बार पेमेंट करने के बाद से आपका सामान आपके पास आ जाता है, डिपेंड करता है आप रहते कहाँ पे हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो 2 से 3 दिन लगता है आपको सामान पहुँचने में। यार बहुत ज़्यादा अजीब सा केमिकल है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको 2 से 3 दिन लगते हैं सामान पहुंचने में, क्योंकि मुंबई से दिल्ली तो आराम से रहता है। अगर आप मतलब थोड़ा सा और दूर कहीं रहते हो तो मैक्सिमम 4 से 5 दिन, 6 दिन से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है। और इसलिए डिपेंड करता है कौन से कुरियर वाले आपके तक डिलीवरी लेकर आ रहे हैं। तो मेरे साथ जो अभी हुआ था ना, मेरे साथ क्या हुआ था अभी इंसिडेंट, एक्चुअली 6-7 महीने पहले मैं अपने मायके गई थी। वहाँ का जो पिन कोड था ना, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन भी दिखा दूँगी, स्क्रीन शॉट दिखा दूँगी कि मैंने उसमें क्या किया था। एड्रेस मैंने डाले थे अपने, जो दिल्ली का एड्रेस है, और पिन कोड डाल दिया था। पिन कोड वहाँ पर मैं चेक करी थी कि यहाँ पर प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है कि नहीं, और जब चेक किया ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ लिंक वहीं पे हो गई थी, और मैंने उसको डिलीट भी नहीं किया था। तो वो मेरा पिन कोड चल रहा था यूपी का और दिल्ली का एड्रेस। और क्या हुआ था, इससे पहले जो 2 ऑर्डर आए थे दिल्ली के एड्रेस
यूपी का पिन कोड, मेरे सामान मेरे पास तक आ गए थे, क्योंकि कुरियर अलग, मतलब जो भी कुरियर का जो भी था जिसके थ्रू आया था सामान, वो डिफरेंट था। अभी इस बार क्या हुआ था, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि मैंने यूपी का पिन कोड डाला हुआ है। मैंने जो सामान ऑर्डर किया, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, मेरा सामान मेरे पास तक नहीं पहुंचा। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा सामान गया तो गया कहाँ, क्योंकि 2 से 3 मैक्सिमम लगते हैं सामान आने में। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख लेना, मैंने 99 होल स्टोर का जो व्हाट्सएप पे उनका मैसेज आता है वहाँ पे मैंने उन्हें कॉन्टेक्ट किया कि सर हमारा ऑर्डर कहाँ पे है, जब मैंने दिल्ली का एड्रेस डाला है तो मेरे एड्रेस को ये कुशीनगर में क्यों पहुँचा रहा है, और कुशीनगर पहुँचाता भी कैसे, क्योंकि वहाँ का एड्रेस था नहीं, सिर्फ पिन कोड था, तो वहाँ वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ तक पहुँचा देगा, लेकिन उससे आगे तो वो भी मुझे कॉल करके पूछेगा कि मुझे कहाँ देना है। तो ये जब तक गोरखपुर पहुँच गया था, और जिस दिन मैंने मैसेज किया था 99 होल स्टोर को, उस दिन मतलब ये लिख के आ रहा था कि लखनऊ क्रॉस कर गया है और अभी तक मेरे पास नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा लखनऊ चला गया, एक गोरखपुर चला जाएगा, लग रहा है सही में कुशीनगर क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मेरा पिन कोड डाला हुआ है। मैंने वहाँ पर उसको तो खूब सुना दिया, भैया मेरा सामान एज सुन एज पॉसिबल मेरे पास आना चाहिए, मैं दिल्ली में हूँ, पिन कोड कुशीनगर क्यों डाला, क्यों वहाँ पर चले गए, क्यों ऐसा हुआ, गलती मेरी थी उस टाइम में। बट वो बंदा बोला कि भाई मैम हो सकता है कि मिस रूट हुआ हो, कई बार क्या होता है ऑर्डर कहीं का होता है मिस रूट होते हुए से मतलब सही लोकेशन तक पहुंच जाता है लेकिन मिस रूट होता है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है। फिर जिस दिन मैंने मैसेज किए थे ना, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि 99 होल स्टोर का जो ऑर्डर गया था, जहाँ तक गोरखपुर गया था, पता नहीं कहाँ तक गया था, वहाँ से कॉल आती है कि मैम आपको ऑर्डर है और एड्रेस में लिखा हुआ है, मतलब जो मेरा दिल्ली का एड्रेस वो बता रहा है, कि उसने पूछा ये कहाँ पर पड़ेगा, तो मैंने बोला ये तो दिल्ली में पड़ेगा, और आप एड्रेस मेरा जो ये सामान लेके कुशीनगर में क्या करने पहुँच गए हो। वो कह रहा मैम इस पर आपने पिन कोड यही डाला हुआ है। तो मैंने कहा मैं क्यों पिन कोड डालूंगी। फिर जब मैंने रीचेक किया तो सच में मैंने पिन कोड अपना ही डाला हुआ था, मतलब यूपी का पिन कोड डाला हुआ था। फिर मैंने बोला भैया एक काम करो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो, क्योंकि अब मैं उसको अपना यूपी के एड्रेस लिखवाती तब तो लेके जाता वो, ऑर्डर कैंसिल कर दो या तो मेरे पास तक ऑर्डर पहुँचाओ। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, आप पिन कोड बस बता दो जहाँ पर आपको चाहिए, उसी लोकेशन पर पहुँचा दूंगा जहाँ पर आपको चाहिए। तो मैंने अपना पिन कोड जो दिल्ली वाला पिन कोड था वो मैंने डाला, इतना अच्छा था ना कि भाई उसने पिन कोड मेरा दिल्ली का डाला और मेरा ऑर्डर 2 से 3 दिन के अंदर मेरे पास पहुंच आया। तो मतलब मेरा लक अच्छा था कि मेरा ऑर्डर इतना ज़्यादा हौच पौच होने के बाद भी मेरे पास पहुंच गया। अदरवाइज़ कई लोग के कंप्लेन आते हैं ना कि 99 होल स्टोर पर सामान आया नहीं, तो ये कहीं फ्रॉड तो नहीं करते, कहीं फेक तो नहीं है, बट एक्चुअली फेक नहीं है। अगर होता तो उसका क्या जाता, वो बोलता भैया आपने गलत डाला है, मैं क्या करूँ, वो इधर उधर फेंक देता, उसको क्या करना था। और बट उसने मेरे साथ अच्छे ईमानदारी तरीके से मेरा ऑर्डर मेरे पास पहुँचा दिया, ये मेरी खुशनसीबी थी, मेरा लक था। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि 99 होल स्टोर, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि ये लोग फ्रॉड नहीं करते हैं। अगर फ्रॉड करेंगे तो फिर अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है ना। और 400-500 रुपये के लिए कौन ही फ्रॉड करता है, 4 लाख 5 लाख हो तो फिर भी लोग सोच सकते हैं फ्रॉडिंग का, बट 400-500 के लिए कोई भी फ्रॉड नहीं करता है। तो अगर कभी भी सामान इसमें ऑर्डर करो ना, तो आप 500 से ऊपर का सामान ऑर्डर मत करो, क्योंकि 500 तक आपकी डिलीवरी फ्री हो जाती है, तो आप उतना ही ऑर्डर करना, उससे ज़्यादा का मत करना, नेक्स्ट टाइम कर लेना। फिर इससे आपको डर भी नहीं होगा कि आपका सामान बेकार हो गया, आप तक पहुंचा नहीं, आपके पैसे लूट लिए, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर की चीज़ें होती है ना, तो वो सब चीज़ें फ्रॉड नहीं होगा। तो मेरे साथ यही सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था, लेकिन लकली मेरे सामान मेरे तक आ गया था। ये भैया 99 होल स्टोर जिंदाबाद, और तुम लोग का थैंक यू, क्योंकि अच्छे, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये आपको अमेजन पे 99 में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। और मिल भी जाए तो डिलीवरी चार्ज वो कौन देगा ये भी तो बहुत बड़ी बात है। और ये वाला भी चीज़ कहीं तो मिलता भी नहीं है, बहुत इस तो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते एक तरीके से, ये 99 का तो शायद आपको मिल सकता है इधर उधर, लेकिन यही बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 99 में कुछ महंगा तो नहीं दे दिया है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, महंगा दिया है क्या है उसने मुझे, जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये मुझे मिल भी नहीं रही थी कहीं पे, तो ये सब चीज़ अच्छी चीज़ें मिल गई हैं। सो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो आप लोग को, आई होप ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए होगी, और जितनी भी क्वेरीज आपके माइंड में चल रही हैं 99 होल स्टोर से लेके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके माइंड में क्वेरीज चल रही है ना 99 होल स्टोर से लेके, प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, तो
किसी तरीके से मैंने वीडियो बना दिए थे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आपको जानना है ना, तो मैं आपको बता दूँ, मुझे 99 होम स्टोर पर पूरा ट्रस्ट है अभी फिलहाल। 4 वर्ष से तो मेरा पूरा ट्रस्ट कम्प्लीटेड है कि ये लोग अच्छे तरीके से सामान आपके पास पहुँचाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है ना, तो थोड़ा कम बजट में ही इसकी शॉपिंग करना, 500 से ज़्यादा की शॉपिंग नहीं करना। 4 बार सामान मंगाने के बाद भी मैं 500 से ज़्यादा की शॉपिंग नहीं करती हूँ। यही वजह है कि एक साथ में अगर 1500 की शॉपिंग कर लेते हो, अगर वे मतलब सामान अब तक नहीं पहुँचा तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। 500 अगर चला गया तो थोड़ा मतलब दुख होगा, बट कम दुख होगा, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है किसी के साथ में। और अगर किसी के साथ हुआ है ना, तो वो रूरल एरिया होता है, वहाँ पर जो डिलीवरी देने जाते हैं ना, ये लोग भले उसमें से तो कुछ धोखाधड़ी कर सकते हैं, बट 99 होल स्टोर वाले धोखाधड़ी नहीं करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको जब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो। वो लोग हर मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं वो लोग। क्योंकि आप स्क्रीन पे मेरा देखा था आपने, कि जो मैंने आपको स्क्रीन शॉट आपको दिखाए थे, तो एक्चुअली में वो लोग हेल्प करते हैं अगर आप उनसे कांटेक्ट करोगे। मंगाई थी आपके साथ शेयर करी है। बस इस वीडियो के पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो पर अगर अच्छी रिस्पॉन्स आएगी तो मैं नेक्स्ट टाइम और भी शॉपिंग करूँगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। नहीं आएगी तो फिर नहीं शॉपिंग करूँगी। आप लोग डिसाइड करो कि मुझे और शॉपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो के पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।